प्रसाद यादव जी, भारत को बचाना है, इन जुमलेबाजों के पैर को केंद्र से हटाना है। भारत देश हमारा है, शब्दों से तो प्यारा है। अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ जुमलेबाजों ने केंद्र पैर पसारा है। हाल हमारी ऐसी है, क्या बताऊं कैसी है, बंदा ये बिंदास है, पूरी तरह झकास है, और बचा नहीं कोई प्यास है, सारी प्यास पूरी हो गई है। आपकी इच्छा क्या है? मेरा इच्छा, मेरा इच्छा जो लालू की इच्छा। तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं आप? हाँ, पसंद करते हैं, और उनको दुल्हा बनाना है, भारतीय सब जाना है। अब भारतीय जाएंगे, और दुल्हन नहीं जब आएगी और सबसे मुस्कुराएगी, और मुस्कुराएंगे और सबके चेहरे पर हंसी खुशी लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म रूप से घर में आपस में विवाद करवा दिया है। कहा के देखिए, 2013 में कितने कामगार लोग थे, आज 2023 में कितने बेरोजगार लोग हैं। आदमी बेरोजगार के कारण आपस में खिंचातारी कर रहा है, सास पुतोस लड़ रहा है, पुतो सास लड़ रहा है, भाई भाई में पटने लगा, क्योंकि सबका सूत्रधार इनकम है। इनकम कम गया है तो आपस में लड़ाई करेगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने बयानों से जाने जाते हैं। जब भी कुछ ऐसा कहते हैं, वो स्टेटमेंट पूरा विवाद में आ जाता है और पूरी उस पर चर्चा होती है। इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव ठीक हुए थे, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही कांग्रेस के एक नेता को भगचौंदर कह दिए थे, और अब देश के प्रधानमंत्री को कहे हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं नट्टी पकड़ने, और उसके बाद जो राजद समर्थक हैं पूरा खुश होने लगे हैं, और उसके बाद अब कहने लगे कि लालू जी तो मुंबई चल ही गए हैं, अब भाजपा को खदेड़ेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, राष्ट्रीय जनता कार्यालय के बाहर खड़े हैं, बिस्कुट फाड़ फाड़ के बांट रहे हैं, लोगों को में बांट रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं कि अब तो लालू जी गए हैं, अब भाजपा का अब सफाया करेंगे। क्या हाल है विनय बिहारी जी? हाल हमारी ऐसी है, क्या बताऊं कैसी है, बंदा ये बिंदास है, पूरी तरह झकास है, और बचा नहीं कोई प्यास है, सारी प्यास पूरी हो गई है। इसीलिए हमको बिस्कुट में क्या, इसीलिए हमको अपना संपत्ति बांट बांट के अमन शांति लाना जरूरी हो गई है। क्यों बिस्किट बांट रहे हैं? बिस्किट, अरे मेरा बस चलेगा तो हम बट जाएंगे, अपनी दुनिया बांट देंगे, प्रॉपर्टी बांट देंगे। बिस्कुट क्या चीज है? लालू प्रसाद यादव जी ये जुमलेबाज की सरकार को हटाने का मुहिम चला करके प्रोग्राम बना रहे हैं, और सरकार ये चला जाएगा जुमलेबाज का तो अमन शांति आएगा, जनता खुश हो जाएगी, इससे बड़ा क्या होता है। इसलिए मैं खिलाऊंगा। लालू जी 14वें में बोले, 1900 में बोले, आप 2300 में बोले, अब बोल रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? नहीं, लालू प्रसाद यादव 14 में नहीं बोले थे। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ थे, और 19 में जो पुलवामा वाला झिलफिलाट हो गया उसमें निकल गया, तो दोनों बार ये जनता बेचारे, जनता जो सज्जन है, विनम्र है, भावना में बह जाते हैं, वो उनको भावना में इसको मोदी के भावना बाह करके गुमराह हो गए थे। इस बार जनता में बड़ा आक्रोश है, आपको पता है भैया, चीज का आक्रोश है, 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर में। जनता का आक्रोश ये है कि सारे रोजगार बेरोजगार है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, बेरोजगार है। दूसरा कहा था कि 15 लाख देंगे हर किसी को, और लोग सोचा था कि उतना कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 15 लाख खाएगा, ब्याज से खाएंगे, इसके झांसे में आए थे, वो सब कर करा करके मिला कुछ नहीं, उल्टे में और जितना ही पैसा था 1200 रुपये गैस के लेके सब रखा पैसा गैस में चला गया, सब तेल में चल गया, पेट्रोलियम में चल गया, बेरोजगारी हो गया। आज देखिए कितने लोग, उठा के देखिए 2013 में कितने कामगार लोग थे, आज 2023 में कितने बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगारी बढ़ गया, आदमी बेरोजगार के कारण आपस में खिंचातारी कर रहा है, सास पुतोस लड़ रहा है, पुतो सास लड़ रहा है, भाई भाई में पटने लगा, क्योंकि सबका सूत्रधार इनकम है। इनकम कम गया है तो आपस में लड़ाई करेगा। नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म रूप से घर में आपस में विवाद करवा दिया है, उनका इनकम घटा करके विवाद बढ़ा दिया है। तो लालू जी गए, लालू जी गए हैं, बोले हैं नट्टी पर चढ़ने के लिए, नट्टी पर चढ़ेंगे और उनको बात समझाएंगे और होश बुलाएंगे, और जनता उग्र है, बेस्कलाल है नरेंद्र मोदी से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, और हम लोग केंद्र में एनडीए का अधिकार। तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री फिर बनाएंगे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अब बनाएंगे? राहुल गांधी या कोई भी पर्सन साबित हो जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा कि राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेंगे, लेकिन दूल्हा कोई बनेगा। आपकी इच्छा क्या है? मेरा इच्छा, मेरा इच्छा जो लालू की इच्छा, लालू प्रसाद, लालू जी तो राहुल गांधी को कह ही दिए दूल्हा बनिए, तो दूल्हा बनेंगे, भारतीय हम चलेंगे। तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं आप? हाँ, पसंद करते हैं, और उनको दूल्हा बनाना है, भारतीय सब जाना है, अब भारतीय जाएंगे, और दुल्हन नहीं जब आएगी और सबसे मुस्कुराएगी, और मुस्कुराएंगे और सबके चेहरे पर हंसी खुशी लाएंगे।
तो 24 में मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी हम तो देख रहे हैं एकदम कि बिना चपले को उतर रहे हैं, चपलों नसीब नहीं हुआ उनके पास। 100 दिन के अंदर कालाधन हम लाएंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक अकाउंट में 15 डलवाएंगे। आई 9 साल हो गए भैया, पैसा बयाना एलवा ना रुपया तो झूठे वादे करते हैं, देश की जनता को ठगते हैं। इस बार मुँह की खाएंगे, वापस नागपुर होते हुए हिसाब देते हुए घर वापस बिना चपले के जाएंगे। हम बताना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं कि भैया चरित्र और चित्र बेहतर होना चाहिए। चित्र बढ़िया है पर चित्र कहाँ बढ़िया है? बाबू समझाना चाहते हैं, जिसके आधार पर आपको सफलताएं मिली है, कुर्सी मिली है, उसको तो समझना चाहिए। लालू इनको जनता ने वोट दिया था। मोदी जी तो लाल किला से कहिए दिए कि अब अबकी बार भी हम आइए रहे हैं। हमू तो कही दें कि आपके हमू अभी हम ही जाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर तो हम हो जाएंगे। कहेगा कहाँ कर लेगा, कहने को कोई भी कुछ कर, जनता स्वीकार नहीं कर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है जी, जनता स्वीकार नहीं कर रहा है। और जनता का सबसे बड़ा प्रूफ सामने से हम हैं, हमसे ज्यादा जनता से कोई नहीं मिलता होगा। हम लिख के देते हैं, हम डेली 500 नया जनता से मिलते हैं। मेरा बिजनेस ऐसा है, बिस्कुट का फेरी करते हैं और घर घर जाते हैं। हम 500 जनता से डेली भेंट करते हैं और बिस्कुट बांटने के क्रम में पूछते हैं क्या समाचार है, बताता है। खून के आंसू रो रहा है जनता, खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि भैया बड़ा गलती हुआ है, दो बार गलती हुआ है हमसे, इस बार गलती नहीं होगा, अबार गलती नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है भारत देश हमारा है, शब्दों से प्यारा है। अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ जुमलेबाजों ने केंद्र पैर पसारा है, भारत को बचाना है, इन जुमलेबाजों के पैर को केंद्र से हटाना है, क्योंकि पहले से खुदनाश अब करने में लगे देश को सर्वनाश। तो राहुल जी प्रधानमंत्री, हाँ जी बनने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनेगा नीतीश जी के, राहुल जी नहीं, राहुल जी को बनाया जाएगा। चलिए राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जनता 2 बार गलती कर चुकी है, जैसा कि विनय बिहारी जी कह रहे हैं। अब जो है लालू जी मुंबई गए हैं भाजपा को खदेड़ने। 2024 में मोदी जी की जो सरकार है वो अब दोबारा नहीं बनेगी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।